Okay, next number 2121. वही आवाज आ रही है ना, मतलब किट्टी पार्टी पे जो आती है। नमस्कार, मैं हूं 6 बजे चोपड़ा और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं बढ़िया सा बेक्ड पास्ता। अच्छा, बेक्ड पास्ता आप किसी भी मोटे पास्ता से बना सकते हो। मोटा मतलब जो फूल के थोड़ा सा मोटा हो जाए, मैक्रोनी हो सकता है, पेने हो सकता है, रिगातोनी हो सकता है, मतलब पास्ता तो वो मोटे वाले बहुत सारे हैं ना, कॉन्चिग्लेती भी एक नाम होता है। तो आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, मार्केट में पेने मिलता है या मैक्रोनी मिलती है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी उबाल के उसमें डाला खूब सारा नमक। ये खूब सारा नमक इसलिए क्योंकि पानी तो फिक जाएगा, पास्ता में थोड़ा सा नमक आ जाएगा और साथ में डलेगा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल किस लिए? क्योंकि पास्ता का जो स्टार्च है ना वो छूटेगा, और जब स्टार्च छूटेगा तो पास्ता एकदम से चिपक जाएंगे। वो चिपके ना, अलग अलग रहें, इसलिए ऑयल। और तीसरी टिप, कोई भी पास्ता का पैकेट ना फाड़ के फेंक मत दो, उसको पढ़ लो। उस पर लिखा होता है कितनी देर पकाना है। कुछ पास्ता पैकेट पर लिखा होगा 8 मिनट, कुछ पर लिखा होगा 9 मिनट, कुछ पर लिखा होगा 7 मिनट। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम पैकेट मत फेंकना। बेल आइकन दबाया आपने अभी तक? नहीं दबाया, दबा लो यार। मतलब नहीं दबाओगे तो कैसे पता चलेगा नेक्स्ट रेसिपी कौन सी है अच्छी वाली? इतने कमेंट आ रहे हैं, मतलब पिज्ज़ा की रेसिपी आई, या पाव भाजी की रेसिपी आई, मतलब खाना बन रहा है यहाँ पे, आपके घर में सेम खाना बन सकता है, सिर्फ बेल आइकन दबाना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। बाकी पास्ता बताएं। पास्ता उबलेगा 8 से 9 मिनट में, ठीक है? मेरे पैकेट पे वैसे 9 मिनट लिखा था, पर मैं 8 से 9 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एकदम फुल डन नहीं करना। वो फुल डन इसलिए नहीं करना है क्योंकि भैया बेकिंग में भी तो पकेगा ना पास्ता, सॉस में भी जाएगा, तो वहाँ के लिए भी थोड़ी कसर छोड़नी है ना कि सारा पास्ता एक साथ पका दोगे। तो अब सॉस बना लें, वाइट वाली सॉस, बढ़िया वाली, एकदम फ्रांस वाली रेसिपी बताता हूँ। हल्का सा तेल, वो सिर्फ इसलिए ताकि बटर ना चले। जितना बटर उतना मैदा। तो यहाँ जी 2 चम्मच बटर चला गया है, जितना बटर उतना ही फ्लार, फ्लार मतलब मैदा। अब इसका बनाएंगे एक रू। रू का मतलब होता है पका हुआ मैदा बटर के अंदर, बेसिकली इसे थिकनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो 3 टाइप के रू होते हैं, एक होता है वाइट रू, एक होता है ब्लॉन्ड रू और एक होता है डार्क रू। डार्क रू या डार्क ब्राउन रू जाता है ब्राउन सॉस में, ब्लॉन्ड रू जाता है वेलुते सॉस में, और वाइट रू जाएगा वाइट सॉस में। तो बहुत सारी टेक्निकल बातें होगी ना, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नया सीख लो ना। रू, ROUX, रू फ्रेंच। अब इसमें डलेगा दूध, जो कि थोड़ा सा गर्म है, ठंडा दूध मत डालना, लम्स पड़ जाएंगे, और उसे फिर अच्छे से मिलाना है। जैसे जैसे दूध पूरी तरह से उबलेगा, मैदा बटर सारी चीज़ें इसके साथ पकेंगी, सॉस थिक होती जाएगी। पास्ता को पकाना है, जैसे मैंने कहा था, फुल डन नहीं करना है, इसे पकाना है जब तक यहाँ पर एक हल्की सी बाइट हो, उसे कहते हैं इटली में अल डांते, एक हल्की सी बाइट। पास्ता को हमेशा इटली में अल डांते खाते हैं क्योंकि इट्स द वे दे ईट इट। अब ये पास्ता निकाल के साइड में रख लिया जाए, और यहाँ पे जो सॉस उबल रही थी ना, अब एक्चुअली जो वाइट सॉस बनाई जाती है उसे कहते हैं बेशामेल सॉस। बेशामेल, BECHAMEL, फ्रेंच वर्ड अगेन, वाइट सॉस का नाम है बेशामेल सॉस। अब उसमें ना मात्र सॉल्ट, पेपर और थोड़ा सा मस्टर्ड जाता है, पर आपको मस्टर्ड डालना है या नहीं डालना आपके ऊपर है। सॉल्ट पेपर तो ज़रूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्याज का और क्लोव का फ्लेवर भी होता है, बेलीफ का फ्लेवर भी होता है। अब आप फ्लेवरिंग जो है ना, आप अपनी तरफ से कर लो। यहाँ तो हम फ्रेंच डिश नहीं बना रहे, अमेरिकन डिश बना रहे हैं। एक्चुअली बेक्ड पास्ता अमेरिकन है, उन्होंने बढ़िया इटालियन पास्ता को लिया, वाइट सॉस में घुमाया और बेक कर दिया। सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। बाकी फ्लेवरिंग सब्जियों में।
चलिए जी, सॉस तैयार, पास्ता तैयार। अब आइडियली बेक्ड पास्ता के लिए दोनों एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं, इसके बाद चीज़ आएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रहे हैं क्योंकि बच्चे लोग ना सब्जी नहीं खाते, तो सब्जियां खिलाने का एक और अच्छा तरीका ये है, पास्ता के अंदर घुसा दो। सब कुछ नहीं, मतलब मेरे पास है गाजर, गोभी, साथ में मेरे पास है थोड़ी जुकीनी, ये सारी चीज़ें जा सकती हैं अंदर। मटर डाल दो, कॉर्न डाल दो जो मैं डालने वाला हूँ, सब डाल दो, लेकिन ये थोड़ा पकाएंगे। तो चलिए पकाते हैं, अब सब्जी तैयार करते हैं और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके बेक करा जाएगा। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। अब जाएगा जी चॉप किया हुआ प्याज। एक हमारे किचन के गुरुजी हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, नाम है मार्को पियर वाइट। हमारे क्या, वो तो गॉर्डन रामसे के भी गुरुजी रह चुके हैं। वो कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू मेक एनीथिंग टेस्टी एड बटर, मोर टेस्टी एड मोर बटर, मोर टेस्टियर एड मोर बटर। मतलब हिंदी रूपांतर यह है कि आप बटर डालो तो चीज़ें टेस्टी हो ही जाती हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। अब थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक। अब ऐसा है, बेक्ड पास्ता अमेरिकन है और ये रेसिपी इंडियन है, तो इंडियन रेसिपी में ऑरिगेनो पकाया जाता है, उससे टेस्ट अच्छा आता है। साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। चटपटा बनाने के लिए मिर्ची नहीं, अमचूर नहीं, गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर, टेस्ट दुगना हो जाएगा। और पाव जी थोड़ा सा पानी, और इस फ्लेवरफुल मिक्सचर में इन सब्जियों को पका लो। तो हमारे पास हैं जी कई प्रकार की सब्जियां, फ्रेंच बीन्स है, जुकीनी है, गोभी है, गाजर है, मटर है, कॉर्न है, आपके पास क्या है, जो है वो डाल दीजिए। सब्जी को ऑलमोस्ट 50% यहां पे पका लेना, फिर इसमें डालेंगे व्हाइट सॉस जो हमने बनाई थी। अब समय है जी कि पास्ता जो है इसमें डाल दिया। कृपया डू नॉट ट्राई दिस एट होम, अगर आप इसमें प्रोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ऐसे ही करना, ये बहुत सालों के प्रैक्टिस के बाद आया है। आप इसे ऐसे भी हिला सकते हैं आराम से, ठीक है। अभी इसमें डलेगा चीज, दो प्रकार का चीज, एक मोजरेला चीज और एक प्रोसेस चीज। प्रोसेस चीज इसमें वो चीजीनेस टेस्ट देगा और मोजरेला चीज वो स्ट्रिंगीनेस देगा, तो दोनों चीज जरूरी है। प्रोसेस चीज़ और मोजरेला चीज़ दो टाइम पे डालेंगे, एक अभी और एक जब हम बेकिंग के लिए डालेंगे ना, तो ऊपर से उसे डालेंगे और वो मेल्ट होगा और बढ़िया से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, उसे कहते हैं ग्रैटिनेट। तो ग्रैटिनेशन के लिए चीज़ ज़रूरी है। पास्ता, सब्जियां और चीज़, ये सारी चीज़ें अभी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, फ्लेवर एकदम मज़ेदार। अब इसे कोई भी ओवन प्रूफ डिश में डालें, मतलब वो ओवन प्रूफ डिश वो होती है भैया जो ओवन में जाके टूटेगी नहीं, है ना। अब उसको आप इस तरह से कर लो लेवल, फिर इसके ऊपर डालो जी थोड़ी सी हैलेपिनो। अब किटी पार्टी है तो हैलेपिनो चलेगी, बच्चे खा रहे हैं तो हैलेपिनो अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके बच्चों को ऑलिव पसंद है तो ऑलिव डाल दो, नहीं पसंद है तो मत डालो, ये सब ऑप्शनल है। आपको अगर मिक्स करना है तो मिक्स कर लो, अगेन ऑप्शनल। बट व्हाट इज नॉट ऑप्शनल इज सम मोर चीज। प्रोसेस्ड एज वेल एज मोजरेला। अब 180 डिग्री पे
अवन को कर लो प्री हीट। आप लोग सवाल पूछेंगे सर मेरे पास अवन नहीं है मैं क्या करूँ, तो ओटीजी को कर लो प्री हीट, जिसको भी कर लो। अगर ये डिश अवन प्रूफ है तो 180 डिग्री पे अवन के अंदर डाल दो, और जब बढ़िया से ऊपर मेल्टेड हो जाए, ऊपर ब्राउन ब्राउन क्रस्ट आ जाए, तब निकालो, यानी कि 8 से 10 मिनट के बाद। चलिए अब इसे डालते हैं अवन में, और 180 डिग्री प्री हीटेड अवन है, 8 से 10 मिनट। ये एक ऐसी डिश है पहले बना के रख दो जिसमें ज़्यादा तामझाम ना हो, बच्चों को भी पसंद, किट्टी पार्टियों को भी पसंद, शादियों में भी बनती है, बड़ों को भी पसंद, और वन पॉट डिश। पॉट थोड़े से लगेंगे बट फाइनल डिश तो एक पॉट में ही आएगी ना, बेक्ड पास्ता। बहुत अच्छी वाली रेसिपी, आज तक नहीं बनी होगी, सब्जियों की गुडनेस भी है और बढ़िया टेस्ट भी। चलो भैया बातें बहुत हो गई, अब फटाफट सर्व करते हैं।